पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के मैक्सिमम वर्क इस क्वेश्चन के अंतर्गत मौजूद हो जाते हैं। इसमें कठिन काम भी निकालने को मिलता है और आसान भी। तो अभी मैंने कल इसके पांच, कल क्या पिछले लेक्चर पर मैंने बता दिए थे पांच तक, और उसी से आगे उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 5.3 में छठवां ऑप्शन में बता रहा हूँ। देखिए कैसे करें। गिविन में है ए इक्वल टू टू और डी इज इक्वल टू 8 एस एन इक्वल टू 90। दो चीज पूछी हैं, एक एन और एक ए एन। एन ए एन दो चीज निकालनी है, तो एस एन वाले फॉर्मूले में रख के बड़े वाले में एन निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a + n - 1 * d। ये फॉर्मूला आप रट जाना चाहिए, यहाँ तक बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। ये वैल्यू उठा उठा के रखिए, एस एन की जगह पे 90 रखिए, एन की जगह निकालना है हमको, ए की जगह पर 2, एन पता करना है, डी की जगह पर 8। व्यवस्थित करते हुए पहले 2 जाएगा इधर, 90 में मल्टीप्ल हो जाएगा ये, एन अभी बाहर है ये 4 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, ये गिनतियां एडजस्ट हो जाएंगी, ये 180, ये हो जाएगा 810 - 4। इस एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 810 2 4n 180, 180 को उधर ले जाओ, तो 810 2 - 4n और -180। ध्यान दो, ये यू के फॉर्मूला है हमारा एस एन के लिए। यहाँ से तीन चीजें उठा के रखी गई हैं, इसमें पहले 2 इधर गया है, फिर एन का मल्टीप्लाई और इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, और इस प्रकार से एक इक्वेशन बन रही है। इसमें डिवाइड बाई 4 कर दो, डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा 2n² ओनली n और 45। 4 का डिवाइड यहाँ करिए, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जहां भी n निकालना होगा एस एन के फॉर्मूले में, वहां हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर में आता है, तो ध्यान में कैसे ओपन होगा, ये सेकंड में भी ओपन किया था, नाइन्थ में भी हमने ये ओपन कर रखे हैं, तो कुछ ना 8th में सीखा, कुछ 9th में सीखा, कुछ 10th में सीखा। तो हम क्या करते हैं, ये ए इंटू सी करके 45 * 2 90 हो गया। हमें मल्टीपल चाहिए 90 और
सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके सिंगल में चाहिए, 10 में से 9 कम हो जाएंगे तो सिंगल एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10n और प्लस का 9n। ध्यान दें, इसको एक बार फिर दोबारा जोड़ करके देख लेना चाहिए, कई बार हम उल्टा लिख जाते हैं इसको। ये 2n कॉमन आ जाएगा और यहां से 9। तो 2n+9 और n-5, ऐसे दो ब्रैकेट बन जाएंगे। यदि हम फैक्टर चाहते हैं यहां तक तो रुक जाता 9th की तरह, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए n की, तो दोनों ब्रैकेट के बराबर हमारा ये आएगा। यदि हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं तो पहले 9 जाएगा, और फिर 2 जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट से लेंगे n-5 से तो ये 5 आ जाएगा, 5 ट्रांसफर हो जाएगा उधर को। तो ऐसी दो वैल्यू n की निकल आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले फैक्टर, फैक्टर के बाद दोनों ब्रैकेट को अलग अलग बराबर 0 करके ट्रांसफर करके n की वैल्यू। एक बात और पूछी है अभी इसमें, ए एन, तो ए एन के लिए एन हमारा आ गया, तो एन इजिकल टू 5 यूज कर लो, ए 5 निकल आएगा। ये अपॉन वाला कंप्लीट नहीं है, ये नेगलेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट में होनी चाहिए, ये नेगलेक्ट में चली जाएगी। तो ए 5 के लिए फॉर्मूला होता है a+4d। ए यहां से उठा लेंगे 4 फॉर्मूले से, डी ऊपर से, दोनों को जोड़ के जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए 5 एक की जगह पे 2 यूज करिए, 2 34 आ जाएगा। एन को 5 ऐसे, ये नेगलेक्ट -9/9 वाला, क्योंकि माइनस में एन की वैल्यू नहीं आया करती है, जो नंबर ऑफ टर्म कंप्लीट चाहिए। ए यहाँ पे ये मिला हुआ है, डी ये मिला हुआ है, तो a+4d, ये एन हमने 5 यहां से यूज किया है, तो पांचवें पद के लिए a+4d 34। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। और देखिए अगला 7वां, थर्ड का ये था अभी 6वां ऑप्शन। अब 7वां बता रहा हूं, इससे पहले भी 6वां बताया था, 7वें में a=8, an=62।
An62 SN210 210 इसमें हमें चाहिए N और D। तो हमारे पास जो है उसी हिसाब से हम चलेंगे। पहले छोटे फॉर्मूले में रख के एन की वैल्यू पता कर लो। एस एन का छोटा फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन। एल और ए एन और टी एन एक ही बात है। एस एन की जगह पे 210 एन बाई टू ए की वैल्यू 8 उठा के रख लो। ये 210 एस एन है, 210 ए एन 62 है। ए एन की जगह पे 62 रख लो। पहले 2 इधर जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये 70 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल में है तो डिवाइड चला जाएगा। ये 3 टाइम कट जाएगा, एम की वैल्यू 3 × 2 = 6 आ जाएगी। यहाँ से हमने एन की वैल्यू पता कर ली। अब डी पता करने के लिए 6 स्टेप हो गए इसमें, तो ए 6 हो जाएगा, ए प्लस 5 डी। तो ए की वैल्यू ये रखिए 8 और डी की वैल्यू पता करनी है। और ए एन हमारा 62 दिया भी है, ये 62 दिया है। ए यहां से उठा लिया 5 6 वाले फॉर्मूले से, ए एन वाले से, छठवें पद के लिए ए प्लस 5 डी होता है। एक डी कम होता है, जो भी पद चाहिए हमें, जो भी स्टेप चाहिए, जो भी टर्म चाहिए, उसमें एक डी कम होता है। छठवें में 5 होगा, सातवें में 6 होगा, दसवें में 9 होगा। तो 8 इधर आके घट जाएगा, हो गया 57। डी की वैल्यू कंप्लीट नहीं निकल रही, अपॉन में निकल रही है, कट भी नहीं रही। और अपॉन में ही रह जाएगी, कट नहीं रही, तो ध्यान में पर द्वारा। एक एन के लिए वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब क्योंकि ये छठवां पद है तो इसलिए यहाँ 6 लगा दो, अब एक ही जगह वहां से उठा लो 8। ये दूसरा तरीका है, सेकंड वे। ये पहला तरीका है उसका निकालने का, ये पूरे फॉर्मूले से, ये छोटे से। तो 8 कम होके ये 54 हो जाएगा और डी इक्वल टू
चौवन बटे पांच, दोनों तरीके से मैंने निकाल दिया इसको, है ना। और आठवां आप अपने आप करेंगे इसका। एटीन द होमवर्क, इसी का नाइन ऑप्शन देखिए हम। नवे ऑप्शन में ए बराबर थ्री, एन बराबर एट, एस बराबर 192, डी चाहिए। एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन की जगह पर 192 आ जाएगा, एन की जगह पे 8, ए की जगह पे 3, एन की जगह पे 8 और डी पता करना। देखिए इसका क्रम कैसे जाएगा, कैसे निकालेंगे इसे। ये हो जाएगा 192 इंटू, ये दो से चार बार कट जाएगा, 2 से 8 फोर टाइम कट जाएगा, तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, चार का डिवाइड करिए, 4 चौक 16, 4 8 32, फिर 6 को लाइए, 6 घटाने पे 42 बचेगा, 6 माइनस कर दो 42 आ जाएगा। और डी निकालने के लिए 7 का डिवाइड 6 निकलेगा। ओनली डी पूछा है इसमें, तो यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। इसी का दसवां ऑप्शन देखिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, वैसे वो तीन चीज दी है, चार चीज होती है इसमें, तीन दी गई है, तीन हमने रख ली, चौथी डी निकाल दी, पहले ये चला गया, 4 का डिवाइड 2 से 8 चार बार कट रहा, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, फिर ये 6 भी लेफ्ट में आ जाएगा, कट जाएगा, 7 का डिवाइड हो जाएगा, डी की वैल्यू 6 आ गई। दसवां एल ए एन ए की बात, एस और एस एन ए की बात, नाइन टर्म में तो एन की वैल्यू मिल गई, ए पूछा है, छोटे वाले फॉर्मूले में ही लग जाएगा ये, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल या एन, एस एन दिया 144, एन दिया 9, ए पता करना है, एल दिया 28, पहले 9/2 इधर आएगा लेफ्ट में,
और ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये 9/2 इधर आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, तो 9 एकम 9, 5 बचे, 9 छक्के 54, 16 गुनी 32, 28 इधर आके लेफ्ट में घट जाएगा, तो एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। और देखिए एन ए दो वैल्यू चाहिए इसमें, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टर्म का मतलब है एन, एपी दी हुई है 9, 17, 25, हमको ये बताना है मस्ट बी टेकन गिव टू सम एस एन 636 आ जाए, तो हमारे पास एपी मौजूद है, एसएन मौजूद है, एन पता करना है, यहाँ से दो चीज आ जाएंगी, चार में से एक चीज पता करनी है एन। बड़ा फॉर्मूला लेंगे और उससे पहले ए निकाल लेंगे यहाँ से और डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप डिडक्ट कर दो, तो डिडक्ट करने पे हमारी जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 17 में से 8 कम करके, डी की वैल्यू आ जाएगी 9। ध्यान दो यहाँ से ए डी निकालने की 17 - 9 = 8, बड़ा फॉर्मूला यूज कर लो, एन बाई टू 2a + n - 1 × b, एस एन हमारे पास मौजूद है यहाँ, एन पता करना है, 2a, ए मिल गया 9, ये पता करना है और डी मिल गया 8, 2 इधर जाएगा, 9 × 2 = 18 है, इस 8 का अंदर गुणा कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई ये 18 हो गया, 18 में से 8 कम कर दो यहाँ, ये 10 आ जाएगा, 2 का डिवाइड कर दो पूरे में,
टू का यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये टू हट जाएगा, ये वाला, ये 636 उतर जाएगा, यहाँ भी टू का डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 5n और 4n स्क्वायर, सबको एक साइड ले जाओ, और हमारे पास ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना करने के बाद हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। हम इसमें दोनों ही काम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करके इसके दो पार्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दो पार्ट करने के लिए ये 636 और 4 का मल्टीप्लाई करके इसको दो पार्ट में लेना पड़ेगा, फिर इसके फैक्टर खोल के तब हम इसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, कोई एक काम हम इसमें कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 4, कंपैरिजन करके सेकंड चैप्टर की तरह, b आ जाएगा 5 और c आ जाएगा ये वाला माइनस बी, माने माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, माने 5 स्क्वायर 4, ए माने 4, सी माने ये 2, ए की वैल्यू इसी में से 4, माइनस 5 प्लस माइनस 25, माइनस माइनस प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 4 चौक 16 का, तो ये सब मल्टीपल के आ जाएगा 10176 अपॉन 8। और ध्यान दीजिए, माइनस 5 प्लस माइनस 25 को और जोड़ के 10201 इसमें ये जुड़ जाएगा, यहाँ 4 चौक 16, 16 छक्के 96 और फिर 16 48, 48 और 9 57, 16 छक्के 96, 96 और 7, ऐसे करके आ जाएगा, इसमें जोड़ के ही आ जाएगा अपॉन 8 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो 101 आएगा, और उस स्क्वायर रूट को यूज कर लीजिए एक बार जोड़ के एक बार घटा दो, तो माइनस 5 प्लस 101
ये आ जाएगा, घटा दीजिए इसे 96/8 और कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 12 माइनस से यूज करेंगे तो एक वैल्यू 12 पॉजिटिव आ गई, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी 5 और 101। ये हो जाएगा 106। सरल कर लीजिए तो -54/4 -53/4 ये नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला, तो एसेप्ट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और कंप्लीट होगी क्योंकि एन जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं आता। एक बार और समझ लीजिए इसे, ये भी अपने आप में एक सवाल है क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना। अभी मैंने इक्वेशन मिटा दिया, वहाँ से ए बी सी वैल्यू ली थी जिसमें बी 5 लिख रहा था, बी स्क्वायर, ए और सी दोनों 4 थे, सी ये था 6 6 2 6 3 2, 4 फॉर्मूले में आता है, ए की वैल्यू 4 थी, ये आ गया मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हुए, एक प्लस में एक माइनस में दो वैल्यू इसमें निकल जाएंगी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नाइन्थ वाले तरकीब से भी कर सकते थे, 4 का 636 में गुणा करके उसके दो पार्ट करके दो ब्रैकेट बना के तो भी यही वैल्यू आती। थैंक यू, से अगले लेक्चर में।